Elevate your future for best coaching in NEET 2022 test series and 11th and 12th entrance. Join Elevate Institute because future begins here. उज्ज्वल भविष्याचा उत्कृष्ट मार्ग. Contact Shivyo Complex near Chota Bazar Chowk, Chandrapur. चंद्रपुर का सबसे प्राचीन मंदिर और विख्यात देवी महाकाली की यात्रा 7 अप्रैल से फिर शुरू होने जा रही है। बीते 2 वर्ष से कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते इन यात्राओं पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इस बार यात्रा को अनुमति मिलने से भक्तों में फिर से उत्साह निर्माण हुआ। यात्रा द्वारा आए श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए मंदिर प्रबंधन, पुलिस और मनपा प्रशासन की ओर से आवश्यक व्यवस्था की गई है। वहां पर सार्वजनिक शांति का उल्लंघन न हो और यातायात में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो, उसके लिए 7 से 20 अप्रैल तक पुलिस प्रशासन ने अंचलेश्वर गेट से लेकर बागला चौक तक साइकिल को छोड़कर सभी वाहनों के लिए मार्ग बंद कर दिया। इस यात्रा में नांदेड़, परभाणी, सोलापुर, कोल्हापुर, मराठावाड़ा आदि स्थानों से हर वर्ष लगभग 1 से 1.5 लाख श्रद्धालुओं का देवी महाकाली के दर्शनों के लिए यहां आगमन होता है। इस वर्ष एसटी बस की हड़ताल के चलते बसों की संख्या सीमित रहने से कम संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। यात्रा में हर बार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, लातूर, जालना, उस्मानाबाद, परभणी आदि स्थानों में भी श्रद्धालुओं का आगमन होता है। यात्रा चैत्र शुक्ल से चैत्र पूर्णिमा तक जारी रहती है। लगभग 300 से अधिक वर्ष पुराने देवी महाकाली मंदिर जागृत मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। गोंड राजाओं द्वारा बसाई गई इस नगरी में रानी हिराई ने 1672 से 1691 तक अपने कार्यकाल में पुराने महाकाली मंदिर का जीर्णोद्धार कर मंदिर को भव्य रूप प्रदान किया। उसी समय से रानी हिराई द्वारा चैत्र पूर्णिमासी से इस मंदिर में शुरू की गई देवी की यात्रा अब तक अबाधित रूप से चल रही है। इतिहास अनुसार हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इस मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए और मुगल शासकों पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। लगभग 1916 में नांदेड़ जिले के तेलगांव उमरी निवासी आदिशक्ति की उपासिका राजाबाई के सपने में देवी महाकाली दर्शन देकर उसे चंद्रपुर स्थित मंदिर में दर्शन देने और अपनी भक्ति का प्रसार करने को कहा था। तब वो यात्रा में बड़ी जत्या लेकर यहां पहुंची और देवी महाकाली के दर्शन किए। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर परिसर में धर्मशाला है, जिसमें 40 कमरे और 2 बड़े सभागृह हैं, जहां यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। साथ ही मंदिर परिसर बेल बाजार परिसर में बड़ा शामियाना बनाया गया है। कतारों में खड़े होकर दर्शन करवाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, भीषण गर्मी से बचने के लिए पंखों और कूलरों की व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे लगाए गए हैं। निःशुल्क भोजन और मनपा की स्वास्थ्य टीम की ओर से औषधि उपचार की व्यवस्था भी की गई है। मैं अशोक गुप्ता चंद्रपुर से हूँ। 2 साल से लॉकडाउन में मंदिर बंद था, तो इस बार नवरात्रि में आया इधर, बहुत अच्छा लग रहा, मन को बहुत शांति लगता। और इस ऐतिहासिक मंदिर है, आके जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है उसका पूरा मनोकामना पूरे होती है। प्रसिद्ध माता यहाँ पे विराजमान है, ठीक है।